पंचकुला नगर निगम चुनावों में मात्र 3 दिन बाकी हैं। पंचकुला की सड़कों पर प्रत्याशियों का प्रचार जोरों शोरों पर है। मेयर पद के लिए भाजपा से प्रत्याशी कुलभूषण गोयल, कांग्रेस से प्रत्याशी उपेंद्र कौर अहलूवालिया, बहुजन समाजवादी पार्टी से अनिल और पदमगर्ग सुदर्शन बंसल, श्याम सिंह नेगी अपनी अपनी किस्मत आजमाने निगम के अखाड़े में तैयार हैं। यही नहीं, सत्ताधारी पार्टी भाजपा जहां किसान आंदोलन में चारों तरफ से घिरी हुई है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता स्वयं निगम चुनावों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करते दिखाई दिए। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल की तरफ से चेहरा है पुराना लेकिन बहुत जाना पहचाना। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन अपनी पार्टी की प्रत्याशी उपेंद्र कौर अहलूवालिया के प्रचार में जुटे हैं। अब किसका कितना है शोर, पंचकुला की आवाम के जहन में कौन है बसा, यही पता लगाने हर रोज अर्थ प्रकाश की टीम जमीनी स्तर पर लोगों की राय ले रही है। अब देखना यह होगा 27 दिसंबर को मेयर की कुर्सी कौन हासिल करने में कामयाब रहेगा। अर्थ प्रकाश देखने में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि पंचकुला में नगर निगम के इलेक्शंस हो रहे हैं और आज हम यहाँ पर सबसे व्यस्तम पार्क है टाउन पार्क, उसके अंदर खड़े हैं और लोगों के व्यूज़ पूछ रहे हैं राजनीति से, यानी उनके विचार ऐसे हैं कि जो राजनीति के आयाम ही बदल देंगे। हमारे बीच में, हम यहाँ पर आए थे तो हमें हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में अशोक जी मिले हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आना भी चाहिए। हम आपकी, आपको सलूशन क्या बताएं, 5 साल तक हम किसी व्यक्ति को देखे ही नहीं, 5 साल बाद वो अचानक आ जाता है, कहता है मैं मेयर पद का उम्मीदवार, मैं जो है पार्षद। अब जनता में कोई जाता ही नहीं है, पैसे के बलबूतों पर वो जो है मेयर पद का उम्मीदवार हो जाता है, पैसे के बल पर जो है टिकटें ले आता है, पार्षद बन जाता है। व्यक्ति, उसी व्यक्ति को चुनना चाहिए जो व्यक्ति जनता में जाता है और उसके सुख दुखों का ख्याल रखता है। ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए कि जो कि 5 साल बाद एक दिन आ गया और कहा कि मैं मेयर बन, मेयर का चुनाव है, और उसने ढेर सारे पैसे लगा दिए, ढेर सारे टेम्पू बाजार में लगा दिए, ढेर सारे पोस्टर लगा दिए। अब वो जनता को यही दिख रहा है कि यही बंदा है, यही बंदा है, यही है, यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हर व्यक्ति को अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए बालकांड में 7वां दोहा का निर्माण किया, वो इस प्रकार है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखही सुलक्षण लो, संप्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि किन, शशि शोषक पोषक समुझी जग, जस अप जस जस दिन, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनी चर कृपा करहूं अब सर। दुर्गेश, बस आप बात करेंगे, आप कहाँ कहाँ पर रहते हो? आप पंचकुला में रहते हैं, कौन से सेक्टर में? सेक्टर 9 में। आपके, हम आपसे एक बात करेंगे क्योंकि इलेक्शंस भी हैं, तो आपके वार की मेन दिक्कतें क्या थी जो आपने, आपके दिमाग के जहन में होंगी, एक दो दिक्कतें बता दीजिए। एक तो साफ सफाई थी, स्ट्रे डॉग्स की भी प्रॉब्लम थी, और अपना मेन तो दो यही प्रॉब्लम थी। हाँ जी, इसके, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे वार्ड में, बाकी काफ़ी साफ सुथरा शहर है ये, काफ़ी साफ सुथरे वार्ड्स हैं, तो ये है।
तो आप जो अब हम ये तो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप इलेक्शन में, हम इतना जरूर कहेंगे कि आप वोट कास्ट जरूर जरूर करना, क्योंकि आप समय वोट तो हम हर एक व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो अवश्य डालें, इसका राइट भी है, उस डालनी भी चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी चीज़ें जो है निकल के आती हैं, उनके विचार भी निकल के आते हैं, वो किस पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी निकल के आता है, कौन बंदा अच्छा काम कर सकता है कर रहा है वो भी निकल के आता है, और कुछ जो यहाँ पे यहाँ से प्रत्याशी खड़े हुए हैं उन्होंने अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जो है इस शहर को और सुंदर बनाने के लिए अपने विचार रखे हैं, तो हम भी आशा करते हैं कि उन्होंने यदि ये विचार रखे हैं तो ये पूर्ण भी होंगे। मेरे जहन में बात आई है, जैसे आजकल हर इंसान आकर कहता है कि आप मुझे वोट दो कि मैं शहर को ऐसे बना दूंगा, वो कर दूंगा, क्या आपने उनसे ये पूछा कि आपके पास कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए आप कह रहे हो? क्योंकि कहने में तो हर इंसान कहता है कि मैं ये कर दूंगा, कि आपने उनसे पूछा अपने कैंडिडेट से कि अगर आप कहते हो कि शहर हम अच्छा बनाएंगे तो आपके पास क्या मास्टर प्लान है, दिमाग में क्या प्लानिंग है, इस तरह की बात कीजिए कभी आप? नहीं, देखो इसमें जो कॉलोनाइजेशन है ये बेसिक मेन मुद्दा है यहाँ का। अब जैसे पंचकूला शहर जो है बहुत अच्छे उससे मतलब विस्तार लिया था इसने बसने का, परंतु इसके जो सराउंडिंग्स में है चंडीगढ़ जैसे पंचकूला या मोहाली हो गए, ये बहुत अच्छे शहरों की रूपरेखा ले सकते थे, परंतु यदि आप सराउंडिंग्स में जाएं तो वहाँ पे इतना मतलब कंजेशन है कि आप उसको झेल नहीं पाओगे आने वाले टाइम में। आप चाहे जीरकपुर ले लो, उधर खरड़ ले लो, ये आप अम्बाला रोड पर ले लो, या इधर अपना पंजौर रोड पर ले लो, मतलब लोग त्रस्त हैं, क्योंकि कॉलोनाइजेशन जैसे हमारे स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य इन्होंने मोदी जी ने रखा था, बहुत अच्छा रखा था, अप्रिशिएट करता हूँ, हम बहुत बढ़िया चल सकते थे इसमें, परंतु वो कामयाब नहीं हुआ। जैसे चंडीगढ़ का रखा था आज से 50 साल या 70 साल पहले, तो वो बन नहीं पाए। आज आप देखोगे हर जगह कंजेशन है, अब आप ट्राई पंचकूला से निकलेंगे जीरकपुर जाएंगे तो आधा पौना घंटा आपका वहाँ खराब हो जाएगा। तो ये इसका फिर सोल्यूशन भी जैसे देखो, जब ये अपना ये विस्तार करने के लिए परमिशन देते हैं ना, ये सरकार को जो वहाँ के बंदे बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे यहाँ पे एक जो शहर है, ये पंचकूला शहर बहुत अच्छा बना था, किसी ने नहीं सोचा होगा एक एक घर में पाँच पाँच चार चार गाड़ियाँ या तीन तीन गाड़ियाँ होंगी, तो वो भी एक मेन मुद्दा है आज की डेट में। आप जो आपका जो नेबर है वो भी आपकी गाड़ी थोड़ी सी उसके घर के आगे खड़ी हो जाती है, निराश हो जाता है, बाकी आने वाले टाइम में क्या हेल्प करेगा वो? तो ये जो मेन मुद्दे हैं, एक मुद्दा ये भी है अपना ये पार्किंग का जो है आज की डेट में। और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं स्पोर्ट्समैन है, नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव सूद है। गौरव जी, आप कहाँ पर रहते हो पंचकूला में? मैं सेक्टर 10 में रहता हूँ सर। सूद साहब, यानी कैसा लगता है जो इलेक्शन है? पहले आप ये बताइए कि आपके जो वार्ड है उसकी क्या दिक्कतें हैं? वार्ड में जो आवारा पशु हैं बहुत ज़्यादा हैं, गायें कुत्ते सब ऐसे घूमते हैं जैसे ये उनका ही घर है, और जो पार्क्स हैं उनमें लाइट नहीं जलती, उनको मेंटेन नहीं किया जाता, और रात को भी हमें डर लगता है कि आवारा पशु हमें काट ना लें। तो आपने पहले ये प्रशासन से बात की थी इस बारे में, किसी ने की हुई तो उसका सलूशन निकला? हमारे MC हैं, हमने उनको भी कहा है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, और हम आशा करते हैं कि जो अब नए MC बन के आएंगे तो वो इस प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। तो लास्ट टाइम आपके MC कौन थे? लास्ट टाइम हमारे MC थे, आई थिंक जो हमारा सेक्टर 10 है BJP के ही थे, और अब मेरे ख्याल से सोनिया सूद हैं वो, आई थिंक हमें आशा है कि एक अच्छा काम करके देंगे। जैसे आप सबको पता है कि हम आज पंचकूला की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट ले रहे हैं, आज फिर ले रहे हैं, दो दिन पहले भी ली थी, हर रोज़ हमारे पत्रकार अर्थ प्रकाश के ग्राउंड लेवल रिपोर्ट ले रहे हैं पंचकूला की, कि पंचकूला के इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं। और आज हमारे बीच में ये सभी लोग आप देख रहे हैं अपनी दिक्कतें बताएंगे, तो ये बताएंगे ये कौन सी जगह से पंचकूला में बिलोंग करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अरविंद कुमार है। क्या नाम? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, आप कहाँ रहते हो? मैं इंदिरा कॉलोनी रहता हूँ, सेक्टर 5 में ड्यूटी है, नगर निगम में सफाई का। अच्छा, ये बताइए कि जो ये सारे वहीं के हैं सब? हाँ जी सर, वहीं के सब के। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपके वार्ड की क्या दिक्कतें हैं? हमारे वार्ड की सबसे बड़ी गंदी हालत है यहाँ की सर, सबसे गंदी हालत है। आज 15 साल हो गए सफाई कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, इनका सामान कामान सबका वेतन नहीं दिया जा रहा, जो उनकी ड्यूटी है वो कराते हैं डेम से बेटेम, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो तनख्वाह है वह टेम पर नहीं आती, और सबसे बड़ी बात है कि 12,000 में होता क्या है?
ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अरविंद ने अपने अर्थ प्रकाश के प्लेटफार्म पर सरकार को ही बताने की कोशिश की है कि ये किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं इंदिरा कॉलोनी में, और इन्होंने ये बताया कि 15 साल से ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर रहे हैं। तो बताइए कि वहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं, पहले आप ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको क्या दिक्कतें आ रही है, उसके बाद हम बात करेंगे आपके जो मूलभूत सेवाएं हैं वार्ड की वो क्या है। पहले आप बताइए कि आपको क्या दिक्कतें हैं। सर सबसे बड़ी दिक्कत हमारी है कि हमारी तनख्वाह टाइम पर नहीं आती है, हम 12,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कमरा किराया दे, क्या कुछ करें ये बताओ आप हमको। तो आपने देखा कि कल को एक मुद्दा आया था सेक्टर 9 में कि हमारे शौचालय नहीं है, शौचालय में वर्कर नहीं है, और आज आपने देखा कि जो वर्कर काम कर रहे हैं सरकार उनको भी मूलभूत सेवाएं नहीं दे रही, तो इस तरह से लोग कहाँ कैसे वर्कर और आएंगे जो मुलाजम है। तो आपने अपने ये विभाग की बात बताई, अब आप ये बताइए कि आपकी इंदिरा कॉलोनी की क्या दिक्कतें हैं। इंदिरा कॉलोनी के हमारे सारे रोड टूटे फूटे हैं, बारिश में बहुत बुरा हालात है, वहाँ कीचड़ में आना पड़ता है, गोडो गोडो करा जाता है, वहाँ पर कोई रोड सही नहीं है, सारा पानी कॉलोनी घरों के अंदर बढ़ जाता है, वहाँ पर कोई सही सिस्टम नहीं है कॉलोनी के अंदर। तो आप जो पिछले पार्षद से उनसे भी बात की होगी आपने, उन्होंने भी आपसे कहा, वो उनसे बात हुई थी आपकी, उन्होंने क्या काम किया? सर बात होती है, कहते हैं यहाँ कराएंगे, अब तक दोबारा करा किसी ने नहीं मुड़काते कोई। तो आप जो इलेक्शन आ रहे, अब भी आपके पार्षद आ रहे होंगे जो इलेक्शन खड़ रहे हैं एमसी के, वो क्या कह रहे हैं, उनसे किससे उम्मीद है आपको कि ये हो सकता है? सर हम तो बीजेपी से उम्मीद रखते हैं, उनको हमारे सफाई कर्मचारी सभी सहयोग देंगे, उनको हम चाहते हैं कि वो वहीं बने, लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए कुछ करें, हमारी कॉलोनी के लिए कुछ करें। तो हम ये अर्थ प्रकाश, आपकी जो दिक्कतें हम अर्थ प्रकाश के माध्यम से सरकार को ही बताएंगे, इनको ये दिक्कतें आ रही हैं, और उसके बाद इन्होंने ओपनली कहा है कि हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। आइए आप हमारे साथ आइए, आज क्या नाम है आपका? रवि कुमार जी। रवि कुमार जी आप कहाँ रहते हो? इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 16। इंदिरा कॉलोनी, तो आप ये बताइए कि इस वक्त दो क्वेश्चन करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा आपसे मैं, कि क्या माहौल लगता है आप? अभी तो मॉल तो मतलब सही है सर, बीजेपी का ही जोर है सर ज़्यादा। अच्छा, सेम खट्टर लाल जी का ही। अच्छा, इनका ज़्यादा जोर है, लेकिन आज तक कॉलोनी में कोई मतलब वो नहीं हुआ, और जो सफाई कर्मचारी हैं इनका भी कोई मतलब आज तक सलूशन नहीं हुआ। सतपाल, सतपाल जी क्या लगता है आपको, दिल की बात बताइए इस प्लेटफॉर्म से। हमारा तो पूरा सहयोग बीजेपी के साथ, बस यही है कि जो ये अपनी जो समस्या अपने कर्मचारियों की ये पूरी होनी चाहिए बस। तो आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम गगन कुमार है। गगन कुमार जी आपको क्या लगता है कि आपका आप क्या काम करते हो? हम तो यहाँ चाय बेचते हैं जी, यहाँ पे कितने सालों से। कितने सालों से बेच रहे हो? मैं तो 15-20 साल से तो मैं यही काम करे जा रहे हैं। आप रहते कहाँ हो? मैं यही सेक्टर 4 में रहते हैं। आपको क्या लगता है जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें क्या लग रहा है आपको? इलेक्शन तो कल यहाँ पर तो है, सिटी समाज से मैं जुड़े हुए हैं। अच्छा। हम हैं उनके सेवादार हूँ मैं। अच्छा। यहाँ पर हर वीरवार नगर भी लगता है, कल खुना अनिल थापर यहाँ पर जो है से, कल खट्टर साहब भी आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो आप ये बताइए, चलो आपने खट्टर साहब की बात बताई, आप ये बताइए आपको जो काम कर रहे हो तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कत तो यही है जी, यहाँ पर जब भी होता है यहाँ पर हर महीने एक महीने दो भी महीने के बाद हर सब यहाँ तोड़ फोड़ करते रहता है, यहाँ पे सारे चीज़ तोड़ फोड़ देता है, यहाँ पर किसी के रोड पर यहाँ पर रहने नहीं देता है, कैसे यहाँ पर बाल बच्चा पालेगा आदमी, यही सब है, दिक्कत हो रहा है यार सब क्या। तो आप नई सरकार से जो आप जो एमसी के इलेक्शन में जो पार्षद बनेंगे, तो आपके पास भी पार्षद आते होंगे वहाँ पर, तो आपने उनके आगे मुद्दा उठाया? नहीं है, कितने बार उठाए तो वो तो सुनता ही नहीं है कोई बात को, ये सब तो जो कितने बार नारागिरी भी हुआ, कितने बार कमेटी के भी घेरे गए थे, एमसी भी गए, कितने बार मांग किए थे हमने यहाँ पर रेडी मार्केट दो, ये सब चीज़ के सुनवाई तो कर ही नहीं रहा है इस बारे में। तो भाइयों बहनों आपने देखा कि ये सब लोग जो अपने मेहनत से काम करके रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनको दिक्कतें हो रही हैं, टी के साथ में, और ये भी चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने, और हमारा ये फ़र्ज है कि हम प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाएंगे ताकि आपको जो दिक्कतें दूर ना हो। लेकिन इन्होंने स्पष्ट बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी दिक्कतें हैं, सरकार उसको भी देखे। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।